नया पौधा पुराने पेड़ की छाँव में अच्छा रहता है। स्टोरी है कुछ लाइनों में, एक साल पहले लिखी थी। एक बेटा अपने बाप के ऊपर चिल्ला रहा था महफिल में, तो बाप कब बोलता नहीं, उसकी आंखें जो बता रही थी वो कुछ लिखने की कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहा था। हमने अपनी गलतियों को सुधारा ही नहीं, अपने बच्चों को कभी पलकों से उतारा ही नहीं, और चलाया जिनको हमने उंगली पकड़ पकड़ कर आज बूढ़ा हुआ शरीर तो उनका सहारा ही नहीं। अब छोटी छोटी बातों पर हमें आंख दिखाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें आंख दिखाते हैं, पाला जिनको जिंदगी भर वो हमें औकात दिखाते हैं। अपने ही घर में खाने के लिए अब बिनती होती है, हमारी घर में ज़्यादा लोगों में गिनती होती है। कैसे समझाऊँ मेरे बेटे, घर में तेरा भी एक बच्चा रहता है। नया पौधा पुराने पेड़ की छाँव में अच्छा रहता है। नया पौधा पुराने पेड़ की छाँव में अच्छा रहता है। दर्द इतना जिंदगी में कि अब जीने का मन नहीं करता। बाप कह रहा है कि दर्द इतना जिंदगी में कि अब जीने का मन नहीं करता, दवा रहती है हमारे हाथ में पर पीने का मन नहीं करता। आज सोलो बिस्तर पर कल किस्मत तुम्हें जमीन पर सुलाएगी। जिस कदर रुलाया तुमने हमें, तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी। और आखिरी दो लाइन ये कि जिस कदर रुलाया हमने, तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी। जितना चाहो कर लो दुखी, अब हम रूठेंगे नहीं, ऐसे सोएंगे एक दिन कि फिर उठेंगे नहीं।